को होने वाली पुलिस जन सुनवाई में पिछले मंगलवार युवक महेश दीपाले ने कैरोसिन डालकर आत्मदाह का प्रयास किया था, जिसको लेकर अब पुलिस की जन सुनवाई में बिना ट्रैकिंग के किसी को भी अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है। पुलिस की इस जन सुनवाई में आने वाले लोगों के बैग व जेब की चेकिंग की जा रही हो, ताकि किसी प्रकार की हथियार व कैरोसिन पेट्रोल जैसी चीजें अंदर न ले जाया जा सके, जिसके लिए सुरक्षा व्यवस्था पुलिस द्वारा की गई है। दरअसल इंदौर में हर मंगलवार को होने वाली जन सुनवाई में पीड़ित लोग अपनी समस्याओं को लेकर आते हैं। वहीं इस मंगलवार करीब 35 आवेदन पुलिस को मिले हैं, जिसमें पारिवारिक विवाद व जमीनों से जुड़े मामले देखने को मिले। वहीं पिछले मंगलवार को पुलिस की जन सुनवाई में एक पीड़ित व्यक्ति द्वारा अपने ऊपर कैरोसिन डालकर आत्मदाह का प्रयास किया गया था, जिसको लेकर अब पुलिस भी सतर्क हो गई है। वहीं आज कंट्रोल रूम के गेट पर पुलिस की जन सुनवाई में पुलिस द्वारा आने जाने वालों की चेकिंग की गई, जिसमें आने वाले पीड़ितों के बैग व जेब की तलाशी ली गई। किसी के पास सिगरेट व माचिस मिली तो किसी के पास पानी की बोतल। वहीं पुलिस द्वारा जन सुनवाई के हॉल के बाहर ही सारा सामान रखवा लिया गया। पिछली बार आत्मदाह का प्रयास किया गया था जन सुनवाई में, इस बार सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई, किस तरीके की सुरक्षा व्यवस्था? देखिए, जन सुनवाई में सब प्रकार के समाज के सभी वर्गों के लोग आते हैं, पीड़ित लोग आते हैं, बुजुर्ग भी आते हैं, बच्चे भी आते हैं, महिलाएं भी आती हैं, तो यहाँ का माहौल पूर्णतः सुरक्षित रहना चाहिए, इसके लिए सुरक्षा की व्यवस्था की गई है। और कोई भी आदमी, कई बार ऐसा होता है कि वो अपनी प्रॉब्लम को लेके या किसी अन्य जो ट्रॉमा है उसको लेके वो ऐसा कुछ स्टेप उठाने का प्रयास करते हैं, जिससे बाकी लोग असुरक्षित हो सकते हैं। और चूंकि यहाँ सभी लोग आ रहे हैं, हर उम्र वर्ग के और हर समाज के सभी वर्गों के लोग यहाँ पर आ रहे हैं, तो उनकी ये माहौल यहाँ सुरक्षित रहे। दूसरा, चूंकि सबकी सुनवाई करके कोशिश ये की जाती है कि विधिवत न्याय संगत निराकरण तत्काल कर दिया जाए, जो भी लीगल फ्रेम में हो, पुलिस लीगल फ्रेम में काम करती है, तो वो सारे प्रयास किए जाते हैं। तो ऐसे में ऐसी कोई स्थिति अनहैप ना हो, इसके लिए सुरक्षा की व्यवस्था भी लगाई है।